वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी. आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी. सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स. आपको पता है जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम बोले, असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, एफएसआई, एफडब्ल्यू या जेकेपी का एग्ज़ाम, आर्टिकल्स इज़ द टॉपिक. ये टॉपिक सबको आना है, ठीक है? और जितने भी मार्क्स का इंग्लिश आना है, सब में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट होगा. वैसे तो जेके एसएसबी में से इससे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक मार्क्स का आपको फॉर श्योर आने ही वाला है. जितना इजी है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके बेसिक्स कुछ समझेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं एक्चुअल में, और उसके बाद विद क्वेश्चंस वी विल डू अराउंड 20 क्वेश्चंस, एंड विद क्वेश्चंस हम लोग एक एक पॉइंट नया सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जिसके साथ आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हो कि इस क्वेश्चन इस रूल में से आया है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. कोर्स में कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो खाली है जो पेड में जूनियर असिस्टेंट का, खान एंड फिटिंग. अगर वीडियो नहीं है वहाँ पे, मैं आज ही वीडियो के बाद चेक करके वीडियो अपडेट करवाऊँगी आपके कोर्स में, ठीक है? चलिए, सो आर्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबको पता है आर्टिकल्स हम किन्हें कहते हैं. इंग्लिश में ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है. लेकिन अगर पूछा जाए कि इनका यूज़ क्या है, हम क्यों इन्हें यूज़ करते हैं, तो हम किसी भी वर्ड को, जनरली किसी भी नाउन को डिटर्मिन करने के लिए, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ए, एन या द उसके साथ लगाते हैं, ठीक है? अब ये जो ए और एन है, इसे हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरली किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ लग जाता है. ए और एन का मतलब क्या होता है? वन, एक, ठीक है? कोई चीज़ आपको एक बतानी है तो वन की जगह आप ए भी बोल सकते हो, एन भी बोल सकते हो. तो इसलिए ये क्या है? सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं, इनडेफिनेट हैं. द को हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. इसे हम लोग डेफिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट वर्ड्स के साथ लगता है. डेफिनेट पर्टिकुलर वर्ड्स जो एक सेंटेंस में स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के साथ आर्टिकल द लगाते हैं. क्लियर हो गया सबको? अब जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को मेजरली आता है, वो आता है ए और एन की यूजेज के साथ. इतना तो हमें पता है, ए को हम लोग कॉन्सोनेंट्स के साथ लगाते हैं और एन को हम लोग वॉवल्स के साथ लगाते हैं. जब हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं, टोटल कितने होते हैं? 26. 26 में से जो ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवल्स. अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, एन हम लोग वॉवल्स के साथ नहीं लगाते. एन हम लोग वॉवल्स के साथ नहीं लगाते, वॉवल्स वाले वर्ड्स के साथ नहीं लगाते. एन हम उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो वॉवल की साउंड से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है उन वर्ड्स के आगे ए, ई, आई, ओ, यू ही लगा हो. दैट इज़ नॉट नेसेसरी. नेसेसरी क्या है? कि इनकी साउंड होनी चाहिए. तो आगे से आपको क्या याद रखना है? एन किसके साथ लगता है? उन वर्ड्स के साथ जो वॉवल्स की साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? और ए, आई, ओ, यू के छोड़ के जो 21 अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. ये भी सबको पता होगा, पढ़ते हैं बचपन से ही. और कॉन्सोनेंट्स की साउंड से, ना कि कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट की साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम, उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं. क्लियर टू एवरीबडी? अब यहाँ देखो, आई गिव यू फ्यू वर्ड्स, आप लोगों को मुझे बताना इनके साथ ए लगेगा या एन लगेगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस बिगिन करेंगे, ठीक है? सो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ वर्ड, यूनिवर्सिटी. टेल मी, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा या एन लगेगा? जल्दी से बता दो. ओके, स्टूडेंट्स आर सेइंग ए लगेगा. वेरी वेल डन. यूनिवर्सिटी के साथ ए लगेगा. यहाँ हमें यू को नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है. जब हम यू की बात करते हैं तो वो वाई का साउंड देता है. दिस साउंड इट गिव्स, ठीक है? एक और वर्ड दे देती हूँ. लेट्स से अगर मैं बोलूँ 1 रुपी कॉइन, क्या लगाओगे? अ 1 रुपी कॉइन और एन 1 रुपी कॉइन? अ 1 रुपी कॉइन. अगेन यहाँ पर हमें ओ नहीं देखना है. ये साउंड किसका दे रहा है? वी का. तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है.
राइट. सिमिलरली अगर मैं बोल दूं ऑनेस्ट मैन, अब लास्ट वन आएंगे, ठीक है, अब बता दो एन ऑनेस्ट मैन आएगा या अ ऑनेस्ट मैन आएगा. एन ऑनेस्ट, वेरी नाइस. सो 126 स्टूडेंट्स आर लाइव एंड सबके आंसर्स एकदम सही हैं. वेरी वेल डन गाइज, आई एम प्राउड ऑफ यू. सबके आंसर सही हैं, दैट मीन्स बेसिक्स तो सबके क्लियर हैं. अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चंस कौन कौन सही करता है. चलो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव करेक्ट आंसर. जल्दी से दे दो करेक्ट आंसर. एच इज साइलेंट, एकदम सही. What dash great match it was. Everyone is saying option A is the correct answer. बिल्कुल सही. What a great match it was. Generally जब हम ऐसे sentences बोलते हैं, ये sentences कौन से होते हैं students? These sentences are called as exclamatory sentences, जो sign of exclamation से end होते हैं, ठीक है. जब हम ऐसे sentences बोलते हैं तो what के बाद हम generally A लगाते हैं. कुछ और examples जैसे What a beautiful sight. Sign of exclamation. यहाँ पे भी हमने beautiful के साथ A लगाया. A और an लगेगा according to the sound of vowel. अगर मैं ऐसा लिख दूँ What dash amazing view. अब क्या लगेगा? अब है amazing, तो अब लगेगा an. तो A और an according to the word given. ठीक है, यहाँ पे क्या correct answer है? Option A. Let's see next question. जल्दी से बता दीजिए आंसर क्वेश्चन टू का. स्क्रीन एक जगह नहीं रुक रहा है. लेट मी चेक द फोकस. ओके, सो द आंसर जो मिला है मुझे, कुछ स्टूडेंट्स से द आंसर मिला है एंड कुछ स्टूडेंट्स से आंसर एन मिला है. ओके, देखो जो ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया है एनजीओ, ठीक है, एनजीओ की जगह मैं एस आई लिख दूँ, एस पी लिख दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ ऐसा लिख दूँ एफ आई आर लिख दूँ, ये सारे एब्रीविएशंस हैं, राइट. अब ये वर्ड्स जो हैं ये किसकी साउंड से हो रहे हैं, जैसे ये E N N इस साउंड दे रहा है, N ऐसी साउंड से शुरू होता है, S ऐसी साउंड से शुरू होता है, F ऐसी साउंड से शुरू होता है. तो जनरली ये क्या हो रहे हैं, एक वॉवल की साउंड से शुरू हो रहे हैं. तो जो अल्फाबेट्स, जो एब्रीविएशंस वॉवल्स की साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. जैसे मैं लिखूँ शी फाइल्स एन एफ आई आर. अगर इसका पूरा फुल फॉर्म दिया हो, फॉर एग्जाम्पल एसपी का फुल फॉर्म दे दिया हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहाँ पर सुपर है तो वो ए लगाएंगे, लेकिन जब एस बोला है तो हम एन लगाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे एन लगाया. क्लियर सबको, एन इज करेक्ट. यस, बहुत ईजी है और इसी तरह के क्वेश्चन देखिए एसएसबी के एग्जाम्स में आते हैं. चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये एक्सेप्शंस हैं. जनरली हमें पता है ए एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है, बट दीज आर सम एक्सेप्शंस और इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट, हर्ष वाज एब्सेंट फ्रॉम डैश डिनर. यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. ओके, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग ए, सम आर सेइंग द एंड सम आर सेइंग नो आर्टिकल्स. अगर किसी को विजिबिलिटी इशू आ रहा है, एक बार अपने वीडियो का क्वालिटी जो 144 पिक्सल्स अगर होगा उसे थोड़ा इम्प्रूव कर लो, मे बी करे सही हो जाए. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी हम बात करते हैं किसकी, मील्स की, मील्स एज इन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये हो गए ना मील्स. जब हम मील्स की बात करते हैं, मील्स के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता. नो आर्टिकल यूज्ड विद मील्स. यहाँ पे क्या है, डिनर. ना ए लगेगा, ना एन, ना द. क्या लगेगा, डी आंसर.
नो आर्टिकल यूज विद मीन्स, ये पॉइंट ऐड करना है, यहाँ पे हम आर्टिकल को यूज नहीं करते। तो जिसने नो आर्टिकल आंसर दिया था उसका एकदम सही है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ये पॉइंट्स, यहीं से कुछ रूल समझ लेते हैं हम लोग। पहला क्या कहता है, मील्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो फ्रॉम अ डिनर नहीं आएगा, फ्रॉम डिनर आएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, जब हम किसी भी स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी नाम ले लो, उसके साथ भी हम लोग ए एंड द नहीं लगाते। तो जैसे सेंटेंस लिखा है, आई एम प्लेइंग अ टेनिस इज रॉन्ग, आई एम प्लेइंग टेनिस। स्पोर्ट्स के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। थर्ड क्या बोला है, सब्जेक्ट्स। जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, हम उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगी, The mathematics is an interesting subject. अब यहाँ पे मैं mathematics के साथ ना a लगाऊंगी, ना an लगाऊंगी, ना ही the लगाऊंगी। Subject के साथ article नहीं आता। Third, with name of any language, किसी language के साथ भी नहीं आता। जैसे यहाँ पर a हिंदी बोला है तो गलत, सिर्फ हिंदी, ठीक है। So these are the points that you need to know. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द स्टैचू इज मेड अप ऑन डैश आयरन, यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर ऑन नहीं, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, मेड अप ऑफ डैश आयरन। देखिए क्या होना चाहिए, विद अनकाउंटेबल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, सबका मोस्टली कहना है आर्टिकल एन यूज होना चाहिए, कुछ का कहना है आर्टिकल द होना चाहिए। ओके, देखो सबने मोस्टली यहां पे क्या देखा, आयरन है, आयरन दिया है, वोवल की साउंड दे रहा है, एन लगा दो, है ना। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहे से बना, यही होता है। कभी हिंदी में बात करें तो कभी हम ऐसा बोलते हैं कि ये एक लोहे से बना है, ये दो लोहे से बना है, कभी ऐसा बोलते हो, नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आयरन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनकी बात हम गिनती में नहीं कर सकते, जिनकी बात हम नंबर्स में नहीं कर सकते, क्वांटिटी में कर सकते हैं, ठीक है। उनका अमाउंट बता सकते हैं, पर नंबर नहीं बता सकते। अब जिसका नंबर नहीं बता सकते उसके साथ ए और एन कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, वन। वन तो हम अनकाउंटेबल के साथ लगा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। जनरली जो मटीरियल नाउन्स होते हैं, मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे कुछ बनता है, जैसे वुड, वुड भी किसी चीज़ को बनाने के लिए काम आता है, आयरन किसी चीज़ को बनाने के लिए काम आता है, प्लास्टिक किसी चीज़ को बनाने के लिए काम आता है, तो ये सारी चीज़ों के नाम होते हैं मटीरियल नाउन्स, और मटीरियल नाउन्स के साथ ए एन या द कभी नहीं लगता, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज विद द नेम्स ऑफ मटीरियल नाउन्स, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके ठीक है, समझ आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू ब्लैंक्स, केयरफुली आंसर्स दीजिएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, सबका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ही है। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जब हम किसी रिवर की बात करते हैं, कोई भी रिवर का नाम है, कोई भी रिवर हो सकती है, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसके साथ भी हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द। जैसे लॉन्गेस्ट है, ऐसा लिखते हैं ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट,
ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, जो ईएसटी से एंड होता है वर्ड या फिर जिससे पहले मोस्ट लगता है वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। इन दोनों से पहले ही हम आर्टिकल द लगाते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। वेरी नाइस, सबका आंसर सही है, वेरी वेल डन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आपके लिए, देखो ओके, अगेन एवरी वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रिवर्स के नाम हैं, दोनों ही क्या है, रिवर्स के नाम। द गंगेज इज फॉर इंडिया, दिस रिवर इज फॉर इंडिया एंड द अमेजॉन विच इज ऑल्सो अ रिवर इज फॉर ब्राजील, दोनों ही रिवर्स के नाम हैं, इसीलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसी के साथ कुछ पॉइंट्स जो आर्टिकल द से रिलेटेड मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, यहाँ देखिए, जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ वो हमेशा ही लगता है, मतलब ऐसे नाम आ गए तो आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, ऐसा नाम दिख रहा है इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आर्टिकल द आना ही है। कैटेगरीज क्या है, जब भी रिवर्स हो गए, सीज हो गए, किसी कमीशन का नाम हो गया, डेजर्ट्स, गर्ल्स, डायरेक्शंस होगी, डायरेक्शंस एज इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब, कोई हिस्टोरिकल कास्ट हो गया, कोई इम्पोर्टेंट टाइटल हो गया, जैसे न्यूज़पेपर्स के नाम हो गए या समथिंग, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे द ताजमहल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी रिलीजियस और होली बुक हो गई, इन सभी चीज़ों के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। इनके एग्जाम्पल्स भी जैसे यहाँ पर दिए हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे ये फाइल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ हमेशा ही आर्टिकल द लगता है, इसी से रिलेटेड हमारा पहले वाला क्वेश्चन भी था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ध्यान से आंसर कीजिएगा। अगेन एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन द एंड द, दैट इज ऑप्शन डी, राइट, सबका आंसर ऑप्शन डी ही आ रहा है यहां पर। अगेन ब्लर स्क्रीन्स, सी मैं भी स्क्रीन पर ही देख रही हूँ, आई कैन सी माई क्लास एज वेल, मेरी स्क्रीन ब्लर रही है, मे बी कनेक्टिविटी इशूज़ की वजह से हो रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, मे बी तभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, बिल्कुल सही, जितने भी स्टूडेंट्स ने कहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, इस सेंटेंस को याद रखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं जितना उतना वाले सेंटेंसेस, ठीक है, जितना उतना वाले सेंटेंसेस, एज इन कि जितना ऐसा करोगे उतना ऐसा होगा, जैसे द मोर यू ट्राई द मोर यू ग्रो, जितना ट्राई करोगे उतना ग्रो करोगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं जितना उतना, मतलब मैं अपनी भाषा में मैंने आपके लिए इजी बना दिया। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आए, यहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है इस तरह के सेंटेंसेस में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा मोर ही हो, कोई और एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई और वर्ड भी हो सकता है, लेकिन आर्टिकल द आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग विद नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चलिए अगेन 2 ब्लैंक्स। ओके, कुछ का आंसर बी मिल रहा है एंड कुछ का आंसर सी मिल रहा है। चलो यहाँ से एक चीज़ हम लोग फिर से नई सीखेंगे, जब हम डेज की बात करते हैं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, जो भी डेज हैं उनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगते,
वी नेवर से अ मंडे, द मंडे, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ठीक है? तो डेज के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते. और फर्स्ट क्या है? एक ऑर्डिनल है. ऑर्डिनल्स क्या होते हैं अगर किसी को नहीं पता, जब भी हम नंबर्स को, गिनती को ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है? और जब नंबर्स को 1, 2, 3, 4 बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल्स. तो ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है, लेकिन डेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता. इसीलिए हमारा आंसर सी होगा. जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर सी दिया है उनका आंसर एकदम सही है. वेरी वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी, सेम पॉइंट है. क्वेश्चन 9 देखो. यस, वानी मुदस्सिर, इंग्लिश की क्लास रोज होगी, रोज 8 बजे ही होगी. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू. दिस क्वेश्चन इज डैश, लव इज एज इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ. लव इज एज इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ. और लव से पहले आर्टिकल लगना है या नहीं ये आपको बताना है. ओके देन, एवरीबडी इज सेइंग ऑप्शन डी. बिल्कुल सही. देखो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा क्यों है ये भी देख लो. देयर इज अ रीजन ऑब्वियसली. नो आर्टिकल. जब हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जैसे लाइफ, मनी, प्राइड, गॉड, लव, सोसाइटी, पार्लियामेंट, डेथ, ये वर्ड्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता है जब इनकी बात जनरल वे में हो रही है. लेकिन जब इन्हीं वर्ड्स को हम पर्टिकुलराइज कर लेते हैं, जब इनको इन अ पर्टिकुलर वे हम लोग बताते हैं, अब लव इन जनरल नो आर्टिकल, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लव की बात करूँगी तो उस वक्त मैं उसके साथ आर्टिकल लगाऊंगी. एज यू कैन सी इन द सेंटेंस, वहाँ पर था लव इज एज इम्पॉर्टेंस एज, इन जनरल बात हो रही थी. लेकिन यहाँ पर किस लव की बात हो रही है? मदर के लव की. दैट मीन्स ये वर्ड पर्टिकुलर हो गया, उस वक्त हम इसके साथ द लगाएंगे. अगर मैं ऐसा लिखूँ, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, तो ये तो हो गया एक जनरल सेंटेंस, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं. अब मैं ऐसा लिखूँ, द लाइफ ऑफ माई फ्रेंड इज प्रॉब्लमेटिक. मेरे फ्रेंड की लाइफ प्रॉब्लमेटिक है. अब यहाँ पर लाइफ पर्टिकुलर हो गई, क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करती है. उस वक्त मैं इसके साथ द लगा सकती हूँ. तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? जब इन वर्ड्स को हम इन अ पर्टिकुलर वे दिखाते हैं तो उस वक्त हम इनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों के लिए. यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यू हैव 3 sentences, ठीक है? अब ये तीनों सेंटेंसेस या तो तीनों गलत होंगे या तीनों सही होंगे, या फिर इनमें से कोई सही होगा कोई गलत होगा. तो आपको मुझे क्या बताना है, ए बी या सी में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, आपको मुझे ये बताना है. चलो चेक करो. सौरभ, शुभम सर ने बंद नहीं की है, सिर्फ आज के लिए आपकी क्लास 10 बजे आएगी, शुभम सर की FAAA की क्लास, और उसके बाद कल से 4 बजे आपकी क्लास आएगी. बी केयरफुल वाई आंसरिंग. आप लोगों को बताना है ए बी एंड सी में से कौन सा सही है और कौन से गलत हैं. अकॉर्डिंगली आंसर करना सही से. ए गलत है, बाकी दोनों सही हैं. बी राइट, ए एंड सी रॉन्ग. ओके, ठीक है. चलो अब चेक करते हैं. और ऐसा मैंने आप लोगों को क्यों लिखवाया इसका हम लोग रीजन भी जानेंगे. पहले तो देखेंगे कौन कौन सा सही है. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ऑल्सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. बी और सी सही हैं, फर्स्ट वाला रॉन्ग है. अब ऐसा क्यों है इसका हम लोग देखेंगे रीज़न. ध्यान से देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, जहाँ पर कोई भी जा सकता है, एनी वन कैन गो, पब्लिक कैन ईजिली एंटर.
जो पब्लिक के लिए बनाए गए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जब उनकी सेंटेंस में ऐसे बात हो रही है जिसलिए वो बने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टेम्पल में किस लिए जाते हो, वर्शिप के लिए जाते हो, है ना, स्कूल किस लिए जाते हो, स्टडी के लिए जाते हो, तो मतलब ये इंस्टीट्यूशन जिस एक्शन के लिए बना है वही एक्शन सेंटेंस में बताया है, उस वक्त हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। तो इसीलिए जब टेम्पल की बात हुई और वर्शिप की बात हुई आर्टिकल नहीं आएगा, अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी सही है। अब थर्ड सेंटेंस क्यों सही है, आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड अ मैरिज। अब मैं टेम्पल में वो काम करने नहीं गया जिस काम के लिए टेम्पल बनाया गया है, टेम्पल वर्शिप के लिए बनाया लेकिन वर्शिप के लिए नहीं गया, मैरिज अटेंड करने के लिए गया, इसीलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगाया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया, जब सेकेंडरी पर्पस दिया हो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, प्राइमरी पर्पस ना दिया हो, जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, किसी और पर्पस के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, उस वक्त आप उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, येस और नो एक बार कॉमेंट में लिख दो। यस, ओके, सबको समझ में आ गया, यही पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जब प्राइमरी पर्पस दिया है उस टाइम पे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, अदरवाइज वी यूज आर्टिकल फॉर द सेकेंडरी पर्पस। चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन 10, जल्दी से मुझे आंसर्स बता दो क्वेश्चन 10 का। सचिन डेली 8 बजे ही क्लास लाइव होगी, ठीक है, ओके, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन सी, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम ऐसे बात करते हैं, सन मून वर्ल्ड अर्थ यूनिवर्स, इन वर्ड्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, सो यस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 देखिए, अब यहाँ पर चर्च है, अगेन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब मुझे ये सेंटेंस देख के बताओ कि यहाँ पर आर्टिकल आएगा या नहीं। Some are saying no article, some are saying A is the answer, and most of the students are saying option C, that is the is the answer. अब देखो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, सी आर्टिकल द इज द आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस चर्च की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर चर्च की जो कॉर्नर में है, ऐसे ही जनरल वे में बात नहीं की जा रही, सिर्फ उस चर्च की बात की जा रही है जो चर्च कॉर्नर में है, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफाई किया जा रहा है एक चर्च को, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है। तो जिसने भी आंसर सी दिया है उसका आंसर एकदम सही है, जब हम एक नॉर्मल सी चीज़ को भी किसी भी तरीके से पर्टिकुलर वे में स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द लग जाता है। नेक्स्ट देखो, ये भी इजी है, मुझे पता है सब लोग कर लेंगे। एन आवर, एकदम सही, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, एच ओ यू आर, इसकी प्रोनंसिएशन हार नहीं होती है, एच से नहीं होती, एच इज साइलेंट, इसकी प्रोनंसिएशन होती है आवर, किसकी साउंड देता है, वोवल की, तो वोवल की साउंड देता है तो एन आएगा, राइट, सबका आंसर सही है, एन ही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन डैश साइंस, आपको बताना है साइंस के साथ ए एन या द लगेगा या नहीं। कितनी लंबी क्लास चलेगी, इधर 20 क्वेश्चंस इन टोटल, 12th क्वेश्चन पे हैं, 8 और क्वेश्चंस हैं, ओके, नो आर्टिकल। साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम,
और मैंने आपको अभी पीछे ही एक रूल करवाया था एक क्वेश्चन के साथ कि सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मील, इन सब के साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, स्पोर्ट्स, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगाते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जनरल स्टडीज़, कोई भी हो, आर्टिकल नहीं लगेगा। सो नो आर्टिकल इज़ देयर, ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अभी बताओ, English has become dash universal language. ये question JKSSB के exam में आया है, अभी recently जो JKSSB के exams हुए हैं ये question उसमें आया है। Okay, most of the students are saying A. English has become अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल साउंड दे रहा है वाई यू, य की साउंड दे रहा है तो ए आएगा, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15, राजेश विजिटेड डैश डेली इन 2012। ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में आया है। अभी जो हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जो JKSSB के क्वेश्चंस हैं। नो आर्टिकल बिल्कुल सही, जब भी हम लोग किसी सिटी कंट्री की बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन जब हम किसी ऐसी कंट्री की बात करते हैं जिसका नाम जो है वो नाम जो है वो दो या तीन वर्ड से मिलके बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या फिर किसी ऐसी कंट्री का नाम जो प्लूरल होता है, प्लूरल नेम एज इन जैसे फिलीपींस, नीदरलैंड्स। जब किसी कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म में हो, मतलब प्लूरल फॉर्म में मतलब एस से एंड होता हो, प्लूरल वे में बोला जाए, या फिर एब्रीविएशन की फॉर्म में हो, दो या तीन वर्ड से मिलके बने, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन वैसे किसी भी कंट्री या फिर सिटी के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो यहाँ पर डेली है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये जो आर्टिकल्स का क्लास मैं आपको आज करवा रही हूँ इसके साथ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल्स, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर्टिकल्स के क्लियर हो गए हैं। इससे बाहर आर्टिकल्स के क्वेश्चंस नहीं आते, किसी भी एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। ये लेक्चर अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जिस भी सोर्स से आर्टिकल्स पढ़े हैं, बिकॉज दिस इज योर रिविजन क्लास, प्रॉपरली उसे रिवाइज करके अब ये टॉपिक एग्जाम में पढ़ोगे तब भी काफ़ी है। The Economic Times is dash English language Indian daily newspaper published by Bennett, Coleman and Corporation Limited. ठीक है, देखो यहाँ पर ये है newspaper का नाम, newspaper के नाम से पहले हमेशा article the लगता है। अब यहाँ पर है ये क्या है, एक English language Indian daily newspaper है, The Economic Times क्या है, एक English language Indian daily newspaper है। एक English language मतलब इस एन इंग्लिश, राइट, इंग्लिश वॉवल की साउंड एन होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने रॉन्ग दिया है, तो करेक्ट कर लेना यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, ये भी JKSSB का क्वेश्चन है। लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं आता है, बिल्कुल सही। देखो अभी मैंने बोला लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं आता, ट्रू, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, उसको क्या दे दिया है, उसको एक एडजेक्टिव दे दिया कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट वर्ड बोला जा रहा है, तो देन यू कैन यूज़ आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट 17, क्या आंसर दिया सबने,
Okay, so some of the students are saying no articles, some are saying option C, some are saying option D. The Hyundai Motor Company is dash South Korean multinational automotive manufacturer headquartered in Seoul, South Korea. देखो अब जब यही बात जो previous sentence में हम लोगों ने देखी, जो हमने previous sentence में देखा कि जो भी newspaper है वो English language India की daily newspaper है, एक English language based India की newspaper है. Simply यहाँ पर भी है Hyundai Motor Company एक South Korean multinational company है, एक South Korean multinational company, तो क्या आएगा A. ठीक है, कई बार क्या होता है आप लोग सेंटेंस को हिंदी में भी रीड करके देखोगे आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो क्या है, Hyundai Motor Company एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो साउथ कोरिया बेस्ड है, राइट? यही बोला है सेंटेंस में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट देख दें, चलिए ये वाला पॉइंट भी हमने पढ़ा है. द लास्ट डेट, अगेन लास्ट भी क्या हो गया एक, अभी मैंने आपको वर्ड्स करवाए जैसे ऑर्डिनल्स करवाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट फॉर्मर लैटर, ये सारे क्या होते हैं ऑर्डिनल्स होते हैं. तो इसके पहले भी क्या आएगा द, और लास्ट एक सुपरलेटिव डिग्री भी है. ठीक है, लास्ट एक सुपरलेटिव डिग्री भी है तो इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द आएगा. क्वेश्चन 19, नाउ वी हैव ओनली लास्ट टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन 19 जल्दी से आंसर कर दो. प्रभुदेवा इज डैश माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया. कुछ का कहना है ए है, कुछ का कहना है आर्टिकल द है. देखो होता क्या है, जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ नेम, प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़ों का नाम. ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों का एज इन किसी रिवर का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी देश का नाम, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. या फिर किसी पर्सन का नाम, हर पर्सन का नाम किसकी कैटेगरी में आता है ना, आपका मेरा सबका नाम जो है, एक्चुअल नेम जो है, आइडेंटिटी, वो किस में आता है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में. तो चाहे वो कितना भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा नोन पर्सन हो, पॉपुलर पर्सन हो, उसके नाम के आगे द नहीं लगता. द सिर्फ तब लगता है जब आप उस पर्सन को किसी और से कंपेयर कर रहे हो. ना तो द आप सिंपली प्रभुदेवा के नाम के साथ लगाओगे, ना ही माइकल जैक्सन के साथ लगाओगे. लेकिन जब आपने इसको कंपेयर किया कि प्रभु देवा जो है वो इंडिया का माइकल जैक्सन है, तो उस वक्त ये पर्टिकुलर हो गया, कंपैरिजन किया तो द लगाएंगे. अदरवाइज किसी भी पर्सन के नाम के साथ आर्टिकल द नहीं आता है. ठीक है, जैसे हम लोग जनरली भी बोल देते हैं, वो तो हमारी क्लास का, जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो हम बोल देते हैं वो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है. नाउ ही इज़ नॉट सचिन तेंदुलकर, बट हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कैसे बोलेंगे, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, ऐसा बोलेंगे. इसीलिए जब कंपैरिजन करते हैं हम किसी के साथ, तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द लगा देते हैं. अभी आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर कर दो जल्दी से. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. जनाब गेमर का कहना, आई एम हार्दिक पांड्या, गुड फॉर यू. लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए, दैट इज ए. या आई वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली, बिल्कुल सही. यहाँ पर द पुअर फैमिली हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि उस पुअर फैमिली को किसी भी वे में स्पेसिफाई नहीं किया है सेंटेंस में. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली. अब वो पुअर फैमिली कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है, आर्टिकल्स खत्म होता है. कल नया टॉपिक आपको स्केड्यूल दिया होगा शुभम सर ने, उसी के अकॉर्डिंग कल नया टॉपिक 8 बजे. सब याद रखना 8 बजे सबको यूट्यूब पर आ जाना है. अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आता है तो JK एग्जाम क्रैकर का टेलीग्राम
चैनल ज्वाइन कर लो, हर अपडेट आपको वहाँ पर मिलती है, ठीक है। या फिर बेल आइकन प्रेस कर लो, हर लाइव सेशन की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब हम लोग मिलेंगे कल, ओके, बाय बाय।